जय श्री कृष्णा दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत त्यौहार उपाय में। दोस्तों, नवंबर के महीने में आने वाले कुछ दिन ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक शास्त्र के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक तरफ जहां इस महीने में सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाले ग्रह बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे, तो दूसरी तरफ साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगेगा। ग्रहण के दौरान सूतक काल लगने पर कई कार्यों का करना वर्जित हो जाता है। खास तौर पर जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, उनके लिए काफी सारे काम करने और नहीं करने जैसी स्थिति आ जाती है। गर्भवती स्त्रियों पर ग्रहण का क्या असर होता है और कौन सी सावधानी उनको बरतनी चाहिए, इसका वीडियो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो ऊपर आई बटन पे भी शो हो रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पर भी उस वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि व्रत त्यौहार उपाय से जुड़े हुए सभी वीडियोस आप तक समय रहते पहुंचते रहे और आपको उनका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। दोस्तों, 19 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण काफी देर तक लगेगा। आइए जानते हैं ये चंद्र ग्रहण किस समय लगेगा। साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को भारतीय समय के अनुसार सुबह 11:34 से शुरू होगा और ये 5:33 पर खत्म होगा। ऐसे में ये ग्रहण काफी लंबे समय तक चलेगा। ग्रहण काल की कुल अवधि 5:59 होगी। भारत में यह ग्रहण शाम के समय अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। आइए अब जान लेते हैं कि इस ग्रहण का कौन सी राशि और नक्षत्र पर असर होगा। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। साल का यह आखिरी ग्रहण 19 नवंबर को वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में लगेगा। आप जान लेते हैं कि इस ग्रहण का सूतक काल का समय क्या होगा। भारत में यह ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, जिस कारण से इसका सूतक काल नहीं होगा। इस ग्रहण को भारत में ना देखे जाने के कारण इसका कोई भी असर जनमानस के ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी गर्भवती स्त्रियों को कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होगी। अब जान लेते हैं कौन सी राशियों पर चंद्र ग्रहण का कैसा असर होगा। साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण वृषभ और कृतिका नक्षत्र में लगेगा। चंद्र ग्रहण का कुछ राशियों पर अच्छा तो कुछ राशियों पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण सामान्य परिणाम लेकर आने वाला है। वहीं करियर में अच्छे मौके मिलेंगे, सफलता मिलने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। नौकरी और बिजनेस में अच्छे परिणाम मिलेंगे और बाधाएं कम से कम आएंगी। धन लाभ के भी संकेत मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रहण के कारण मेष, वृषभ, सिंह और वृश्चिक राशि वालों को कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर किया करें दोस्तों, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। देखते रहिए व्रत त्यौहार उपाय चैनल। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।